नेक्स्ट टॉपिक है हमारा से नो टू ड्रग्स, क्लास 8 एडोलसेंस चैप्टर। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तो एडोलसेंस जो है एक पीरियड होता है जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में होती है, हमारा बॉडी और माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसमें हम ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, एकदम आपकी ग्रोथ हो रही हो, आपकी बॉडी माइंड में चेंज आ रहा हो, तो अगर आपको कोई कहता है कि अगर आपको रिलीफ करना है, अगर आपको बच्चा अपने आप को ठीक रखना है तो आप ड्रग्स लो, तो उसको नो कहना है। जबकि डॉक्टर, जब तक डॉक्टर आपको ना बोले। ड्रग्स जो होते हैं एडिक्टिव होते हैं, मतलब उनको एक बार जब खाया जाए तो फिर वो लगातार खाने पड़ते हैं, नहीं तो बॉडी जो है वो मांग करती है और बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन देती है। अगर उसको एक बार लोगे तो आपको मन करेगा बार बार लेने का, तो वो बॉडी को काफ़ी हार्म करेगी, इससे हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाएगी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस। आपने एड्स के बारे में पढ़ रहा होगा, जो डेंजरस वायरस HIV की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। तो एक बीमारी नहीं है, एक सिंड्रोम, एक सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये जो है वायरस पास होता है एक नॉर्मल पर्सन से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाय सिरिंज से, इंजेक्टिंग ड्रग्स से, ड्रग्स लो अगर सेम सिरिंज से, तो बच्चे से, माँ से बच्चे को हो सकता है, मिल्क से। तो ये जो और भी क्या हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिट से भी हो सकता है अगर किसी को HIV हो तो। तो हमें पता है एडोलसेंट प्रेगनेंसी में यू माइट बी नोइंग दैट इन कंट्री द लीगल एज जो है हमारी ये 18 ईयर्स है बॉयज गर्ल्स के लिए और एज 21 है बॉयज के लिए। क्योंकि बच्चे जो, क्योंकि तब तक टीनेजर जो है वो मोस्टली प्रिपेयर नहीं होते फिजिकली और फिजिकली मेंटली। अर्ली मैरिज जो है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लड़की को, बच्चे को भी।